Modi Murtabad Narendra Modi Murtabad Tanashahi nahi chalegi विनोद जी का पानी का शौक बहुत ज्यादा हो गया है। कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता हैं उन्होंने अभी यहां से रैली निकाली थी सरकार के खिलाफ, जो कृषि बिल पास किया गया है उसको लेके उसके अगेंस्ट में। तो आइए जानते हैं कि चंडीगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप चावड़ा जी, इनका क्या कहना है। देखिए, आज का जो हमारा युवा कांग्रेस की रैली थी वो किसानों के हक में थी, और जो 3 अध्यादेश मोदी सरकार किसानों के खिलाफ लेकर आई थी उसको जबरदस्ती पास करवाया गया। अध्यादेशों के खिलाफ किसान आज आंदोलित है। किसान पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से आंदोलन कर रहा है, और बड़ी त्रासदी की बात है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। अगर उनसे मीटिंग भी होती है तो वहाँ जिद्दी अपनाया, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिद्दी रवैया अपनाया हुआ है उसको छोड़ देना चाहिए। 3 बिल इमीडिएटली वापस रहने चाहिए। मोदी जी को अपने चंद पूंजीपति मित्रों की वजह से उस किसान को अपनी ज़मीन से जो है नहीं उसको मजदूर बनाना चाहिए, उसी की अपने मलकियत के ऊपर उसको मजदूर बनना पड़ेगा। और किस तरह से ज़मीनें उनकी छिन जाएंगी कल को इसी डर के मारे। और एक MSP का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, MSP का और आढ़त का, जिसको मंडियों में जो 8 के लोग चलाते हैं, और किसान को कितना फ़ायदा था। किसानों के इंटरव्यू देखिए, किसानों का बोलने का देखिए कि जब 10-20 हज़ार रुपये की जरूरत होती है अपने आर्थिक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कहाँ, हम एक शाहूकार के पास, हम अंबानी अडानी के पास गुजरात और वहाँ जाएँगे, क्योंकि यहाँ तो काम करने वाले मैनेजर होंगे तो वो हमारी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इस तरह से ये सिर्फ किसानों का मुद्दा ना होकर दूसरी तरफ पूरे देश का मुद्दा है। 75 से 80% जनता इस बात के लिए अफेक्टेड है, जो हमारा अन्नदाता है अगर वही हमारे साथ नहीं है, अगर लेबर नहीं मिलेगी, अगर मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, आढ़ती ख़त्म हो जाएंगे, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी तो पहले ही बहुत बढ़ रही है इस देश में, तो इसलिए मोदी सरकार को 3 काले अध्यादेश बिना किसी वार्ता के वापस ले लेने चाहिए। उसके बाद वार्ता करनी चाहिए, किसानों से पूछना चाहिए किसानों के कर्जे तो क्या माफ़ करने। किसानों के खिलाफ जो ये सारी मुहिम मोदी सरकार ने चलाई हुई है इसको जो कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन देगी, क्योंकि ये बिना मतलब के अगर कांग्रेस का नाम ले तो कांग्रेस पार्टी हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। अगर किसी भी वर्ग के साथ जाती होगी कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। 103 MLA को कल रोका गया दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, सिर्फ MLA अकेले जा रहे थे, नवजोत सिद्धू, राजा वड़िंग और पिछड़े धीमान साहब, किस तरह से उनको रोका गया, किस तरह उनके साथ भी ज्यादती करने की कोशिश की गई। उन्होंने उनको पता था कि नवजोत सिद्धू जी MLA हैं, ये राजा वड़िंग MLA हैं, ये धीमान साहब जी MLA हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ ज्यादती करने की जो कोशिश की गई तो बहुत ही, देखिए ये सरकार का अड़ियल रवैया है, घमंडी है ये सरकार, और झूठ बोलने में माहिर है। तो इस तरह से सरकार को झुकना ही पड़ता है। जब जनता उठती है, जब जनता की आवाज़ बुलंद होती है तो सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती हैं। तो दिल्ली का तख्ता पलट होगा इन किसान आंदोलन की वजह से, अगर किसानों की मांगें नहीं मानी। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे रैली निकाली गई और सरकार की आरती जलाई गई यहाँ पे, और यहाँ पे ये मौजूद है जो कांग्रेस के युवा नेता हैं। आइए जानते हैं कि इस रैली के दौरान इनका क्या कहना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो रैली निकाली जा रही है, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर? देखिए मैडम, आज हमारा जो पीसफुली प्रोटेस्ट है, और ये प्रोटेस्ट हमारे देश के अन्नदाता किसान जो हैं उनके समर्थन में है, और सरकार से खिलाफ है, और सरकार से मांग कर रही है चंडीगढ़ युवा कांग्रेस। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के और हमारे प्रदेश अध्यक्ष लव कुमार के दिशा निर्देश आज हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया है, और हम ये प्रोटेस्ट के जरिए आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो इस देश का अन्नदाता है, जो इस देश में हम सबको, हमारा सबका पेट भरने का काम करता है, आज आपकी गलत नीतियां करके, सरकार की गलत नीतियां करके आज देश का किसान, आज देश का अन्नदाता सड़कों पर है। अगर वो अपनी मांग रख रहा है तो उनके, उनकी मांगे सुनने के बजाय पुलिस बल का प्रयोग करते हुए उनके साथ बर्बरता की जा रही है, ये कहाँ का इंसाफ है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।